Let's learn and earn from your home. Learning with earning. और अब हम मतलब ये डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एज अ राइटर आप उसको कैसे कैश इन कर सकते हो, आपको अर्निंग कैसे होगी। एक तो मैंने फाइवर का बताया था, फाइवर की भी कुछ टिप्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी और आपको डिफरेंट साइट्स भी बताऊंगी जिन पे जाके आप राइट करिए कोई भी कंटेंट किसी भी तरह का, जिस तरह का उनको चाहिए उस तरह का लिख के आप अर्निंग कर सकते हो बहुत ईजिली वहाँ से जाके। ठीक है, अब बहुत सी वेबसाइट्स हैं ऐसी जो मतलब पे करती हैं राइटर्स को, तो हम वो भी देखेंगे कि भाई वो कैसे पे करती हैं और आप बाकी क्या वेज हैं जिनसे आप अर्न कर सकते हो। और फाइवर की भी एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी जिनको अभी तक ऑर्डर्स नहीं आ रहे, जो बायर रिक्वेस्ट भी सेंड करें, और बायर रिक्वेस्ट सेंड करने का भी बताऊंगी कि कैसे आप बायर रिक्वेस्ट सेंड करें तो बायर अट्रैक्ट होगा और आपको कहेगा कि हाँ भाई मुझे इसी से काम करवाना है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो है क्वालिटी, जाहिर सी बात है मैटर करती है, क्वालिटी होगी एक बंदे को पता चलेगा कि हाँ इस बंदे ने मेरा काम करके दिया है तो इसकी मतलब बहुत अच्छी ये राइटिंग करता है, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, तो वो यकीनन बाकियों को भी कहेगा कि हाँ भाई ये इस बंदे की बहुत अच्छी है तो इसी से काम करवाओ, तो वो लोगों को बताएगा, देन उसके बाद इस तरह से आपका मतलब बनता चला जाएगा सिस्टम। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप पहला बंदा जिसके साथ भी काम करना है वो तो आए, तो आप लोगों का भी वही सीन है कि आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में हो, पहला बंदा ही नहीं मिल रहा जिससे आप जिसको कुछ लिख के दो और वो कहे कि हाँ भाई इस बंदे ने बहुत अच्छा लिखा है, तो अब हम आगे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मतलब सोचना क्या कुछ चाहिए कि आपको ये कि आप जो भी कॉन्टेंट लिखते हैं आप ये ना समझे कि बस हाँ मुझे सब कुछ आ गया, मैं अब मतलब सिखा भी रही हूँ लेकिन मैं खुद भी लर्निंग फेज में हूँ, मुझे कोई चीज सीखने को मिलती है तो मैं उसको पिक करती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि हाँ नहीं यार मुझे बहुत कुछ आता है, मैं तो बस सब कुछ सीख के बैठ गई हूँ, ऐसा नहीं होता। इंसान हर मतलब टाइम पे कोई भी फेज ऐसा नहीं होता जिसमें वो कुछ लर्न ना कर रहा हो किसी से भी। इवन मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, फिर भी जो बंदा न्यू भी आएगा ना मुझे उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने कभी ये नहीं समझना कि भाई मैं बहुत अच्छा राइटर बन गया हूँ और अब मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने इस तरह से करना है कि आप हर टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहें। ठीक है, अच्छा उसके बाद है कि अब आपने एक आपका एक अलग तरीका होता है, हर बंदे का अलग एक स्टाइल होता है लिखने का, फिर उसका उसको सेल करने का भी एक अलग स्टाइल होता है। ठीक है, तो आपने उसको यूनिक रखना है, आपने किसी को फॉलो नहीं करना। लाइक आप ये कहो कि हाँ वो बहुत बड़ा जो है वो बंदा है और बहुत उसकी पर्सनैलिटी, मुझे उसी को कॉपी करना चाहिए, नहीं कॉपी नहीं करना किसी को भी। हाँ आप कुछ लर्न कर सकते हो उससे लेकिन आप किसी को कॉपी नहीं करोगे, कॉपी करने से आपका अपनी जो आपकी यूनिकनेस है, आपका अपना जो एक स्टाइल है वो फिर कहीं बहुत पीछे रह जाएगा, तो आपने ये नहीं करना। और फिर अगर कोई आप कहीं पे सर्च कर रहे हो, आप मतलब ढूंढ रहे हो कि भाई कैसे मुझे कोई अच्छा कंटेंट, मैं और अच्छा इसको अपना कंटेंट और अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपने क्या करना है कि जो पहले का कंटेंट किसी का भी लिखा हुआ है आपने उसको जाके चेक करना है। चेक करके आपने ये चेक करना है कि भाई जो नीचे लोगों के रिव्यूज आए हुए हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज है और ये चीज नहीं है, ये चीज बहुत अच्छी है और ये चीज जो नहीं है ये भी मैटर करती थी, ये चीज भी डालनी चाहिए थी, तो इसलिए जो है उसने इस चीज को पॉइंट आउट किया। अब आप जो अपना कॉमेंट लिखेंगे आप उसमें वो चीज जो है नहीं आने देंगे, उसकी जो भी चीज रह रही थी आपने वो रहने नहीं देनी। देन जब आप अपना कंटेंट पब्लिश करोगे तो आपने ये करना है कि उस पे जो रिव्यूज आएंगे आपने उसे डिसहार्ट होके नहीं बैठ जाना, आपने ये करना है कि आपने उससे सीखना है, आपने फिर इस चीज को मेक श्योर करना है कि वो नेक्स्ट टाइम आपसे ये मिस्टेक ना हो जो आपको किसी भी क्लाइंट ने बताई है, जो आपको किसी भी जहाँ आपने पोस्ट किया है अपना कंटेंट वहां पे किसी ने उसका रिव्यू किया है, किसी रैंडम बंदे ने आके उसको कमेंट कर दिया है, तो उसने जो भी बात कही है कि ये चीज होनी चाहिए, जाहिर सी बात है उसने आपका कंटेंट पढ़ा है, उसको जो चीज नहीं सही लगी उसने वो भी बताई होगी, जो चीज सही लगी होगी लोगों ने वो भी बताई होगी,
तो आपने उस चीज से सीखना है, उस चीज से आपने डिसाइड होकर नहीं बैठ जाना कि नहीं भाई मुझे तो कह दिया है कि भाई मैं तो मेरा तो ये एरर आ गया, अब मेरा क्या होगा और दिस एंड दैट, जो हम पाकिस्तानी मोस्टली करते हैं। लेकिन ये चीज आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि जितना टैलेंट मैं कहती हूँ पाकिस्तान में है ना, इतना मुझे नहीं लगता कि किसी और मुल्क में हो सकता है, क्योंकि हमारे मुल्क में बिला शुबा बहुत बहुत टैलेंट है। लेकिन हम लोगों में ये चीज है कि बाहर के लोगों में ये सीन होता है कि वो लोग अपनी अपने टैलेंट को पहचान लेते हैं एंड देन उसको फिर यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी पे सोचते रहते हैं नहीं यार ये चीज मुझ में कैसे हो सकती है, नहीं हो ही नहीं सकता, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, और हम लोग खुद को इतना डिग्रेड करते हैं खुद को ही, मतलब ये किसी और बंदे को बताने के बजाय, मतलब पहले किसी और बंदे को पता चले हम उस अपने टैलेंट को अपने अंदर ही मार देते हैं। ये हम लोग बहुत मोस्टली मैंने देखा है कि लोग ऐसा करते हैं यहाँ के, तो फिर हमें अब पता ही नहीं चलेगा कि भाई हमारे अंदर टैलेंट क्या है। देन हमने अगर चलो खींच तान के उसे बाहर ले भी आए हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें डर ही रहे हैं। भाई क्यों डर रहे हैं, दुनिया भी तो काम कर रही है। अगर किसी ने कोई नेगेटिव रिव्यू दे दिया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लिख रहे हो ना, कौन सा, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि जो भी लोग यहाँ काम कर रहे होते हैं, मतलब यहाँ के फ्रीलांसर्स की बात करो, तो वो लोग ये समझते हैं कि कोई पीएचडी का या कोई बहुत ही बड़ा एग्जाम चल रहा है तो उसके लिए काम करना है। भाई आप इस चीज को ऐसे लो, परफेक्शनिस्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप किसी बहुत बड़े राइटर की भी कोई चीज उठा लो ना, आपने अगर बहुत अच्छी रिसर्च की भी आपको उसमें से भी मिस्टेक्स नजर आ जाएंगी, देन आप क्या उसको जाके गालियां देने लग जाओगे, नहीं दोगे। उसको लोग उसके मिस्टेक्स बताते होंगे तो वो क्या डिसाइड होके बैठ जाता होगा, नहीं वो बिल्कुल भी नहीं बैठता होगा, वो यकीनन वो यही करता होगा कि उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिल्कुल भी इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, हम लोग डिसहार्ट होके बैठ जाते, फिर हम कहते हैं नहीं यार ये मुझसे नहीं होगा, रहने दो, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो वो हम लोग उस चीज को बिल्कुल ही अपने अंदर ही खत्म कर देते हैं। आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि राइटर होना एक बहुत बड़ी बात होती है और क्रिएटिव राइटिंग एक बहुत ही, मतलब आप कह लें कि बहुत कम लोग हैं जो क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना, आपको नेगेटिव रिव्यूज मिले तो आप उस बंदे को कहो हाँ ठीक है ये मेरी मिस्टेक थी, अगर आपको लगे कि हाँ वाकई यहाँ मिस्टेक है तो आपको हाँ ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं ये मिस्टेक इसको देख लूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा, ठीक है।